तो जेंटलमैन आपने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा, मुद्दे की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पार्टीशन ऑफ लैंड। पार्टीशन ऑफ लैंड मीन्स जो जिस लैंड का हम पार्टीशन करवा रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या है, यही आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ लैंड। देखो लैंड दो तरह के होते हैं, कल्टीवेटेड और नॉन कल्टीवेटेड। जो कल्टीवेटेड लैंड है वो रेवेन्यू एक्ट के अंदर हम एक एप्लीकेशन करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर की, जिसको असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड के यहाँ एप्लीकेशन लगती है, उसमें वो प्रोसीजर दर्शाएगा। लेकिन जो नॉन कल्टीवेटेड है उसका ज्यूरिडिक्शन बनता है ओनली सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट के पास पावर है उसकी पार्टीशन करने की। अब हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ लैंड इन द केस ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। एक एप्लीकेशन देनी, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है पार्टीशन फॉर लैंड के लिए, जो कि असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड की लगती है। उसमें होता है क्या कि जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो एक एप्लीकेशन लगा देती है और रेस्पोंडेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड 9108 में होता है। जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो सभी को सम्मान करता है, पार्टियों को बुलाते हैं, पार्टी हाजिर होती है, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देती है। रिटर्न स्टेटमेंट देने के बाद जो कि प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के हिसाब से नक्शा कै तैयार होता है, जिसको नक्शा कै का परवाना बोलते हैं, वो तहसीलदार के द्वारा या फिर असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड के द्वारा लैंड रिकॉर्ड यानी पटवारी को भेजा जाता है। वो पटवारी एट प्रेजेंट टाइम जिस बंदे के जो बंदा कास्ट कर रहा है, इसमें जो कल्टीवेट कर रहा है, करने लग रहा है, उसका रिकॉर्ड भेज देते हैं। तो उसके बाद पार्टी को बुलाया जाता है, उस पर उनके स्टेटमेंट दिए जाते हैं। नक्शा कह के आने के बाद बात आती है नक्शे खै की। नक्शा खै में क्या होता है कि तहसीलदार या असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड है, एक परवाना खै का, नक्शा खै का भेजते हैं कानूनगो के पास। कानूनगो अपॉइंट किया जाता है एज पर रेवेन्यू एक्ट की, जो कि सभी के हिस्से, जो हिस्सेदारान है कल्टीवेटेड लैंड में, उनके हिस्से अलग अलग करता है और उनके पार्ट बनाता है, जो कि खै नक्शे के अंदर मैंशन होता है। ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है, इंटरेस्टेड पार्टी वहाँ जाके उनको बता देती है और वो बना देते हैं। खै नक्शा बनाने के बाद कानून को उसको कोर्ट में भेज देते हैं। कोर्ट में आने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर फिर से उनको बुलाते हैं और उनके बयान दर्ज करते हैं। बयान दर्ज होने के बाद गैर नक्शे के लिए भेज दिया जाता है। इससे पहले एक बात और आती है, बात यह है कि जो खै नक्शा आया है सभी इंटरेस्टेड पार्टी ने देख लिया, रेस्पोंडेंट ने देख लिया, अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो वो खै नक्शे की अपील भी कर सकता है, जैसा कि रेवेन्यू कोर्ट एक्ट के अंदर दिखाया गया है। खै नक्शे पर अपील की जाती है, जिसका कि 30 डेज का टाइम होता है, जो कि DRO या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी फर्स्ट ग्रेड के ही लगती है। जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो अपील कर देती है, अगर सभी को ठीक लगता है भी नक्शा जो बना है हमारे फेवर में बना है, अच्छा बना है, तो जो तहसीलदार होता है उनके बयान नोट करके गैर नक्शे पर लगा दिया जाता है। गैर लगाने के बाद उसको सनद तकसीम बोलते हैं, ये मुसलमानी अल्फाज है, उर्दू अल्फाज है, उसमें सनद तकसीम जारी कर देती है। और जो तहसीलदार या फिर असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड जो होते हैं, एक डिग्री जारी कर देते हैं या जजमेंट जारी कर देते हैं, उस मतलब कि जो आपका जो एप्लीकेशन है वो लाभ कर दी गई है और पार्टीशन हो चुका है, तो वो एक ऑर्डर पटवारी को भेज देते हैं, जो पटवारी होते हैं जो एक जमाबंदी में एंटर कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पार्टीशन ऑफ लैंड। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।